इंडियन नेशनल लोकदल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। नहों की नई अनाज मंडी में पार्टी कार्यालय से जिला सचिवालय तक सड़क पर उतरकर इनेलो कार्यकर्ताओं ने अपना रोष प्रकट किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा इनेलो नेता अर्जुन सिंह चौटाला ने की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम किसान विरोधी अध्यादेश के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर युवा इनेलो नेता अर्जुन सिंह चौटाला ने कहा कि ताऊ देवीलाल व पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने प्रदेश में किसानों के हितों के लिए सैकड़ों कार्य किए। वर्तमान की केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार किसान ही नहीं बल्कि हर वर्ग के लोगों की उपेक्षा में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि आज इनेलो किसानों के हितों के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश पूरी तरह से किसान विरोधी है। आज देश में प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। हर जगह पर बहन बेटियां अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। बेटियों की सुरक्षा का दावा करने वाली भाजपा के राज्य में बेटियों पर सबसे अधिक अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। इस मौके पर मुख्य रूप से सोहना से इनेलो के पूर्व प्रत्याशी रोहतास खटाना, एडवोकेट तलहा हुसैन, रणजीत नंबरदार, इब्राहिम पहलवान सलम्बा, ईश्वर ठेकेदार, श्री चंद इंड्री व इसराइल चेयरमैन सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। स्वागत जिंदगी मीडिया ग्रुप से जुबेर खान की रिपोर्ट। बिल बन गए हैं, हम इनके खिलाफ हैं। काला कानून है, किसान को तबाह और खेती मजदूर को तबाह करने वाला है। मैं समझता हूँ अगर देश का किसान तबाह बर्बाद हो जाएगा तो देश भी तबाही और बर्बादी की तरफ चला जाएगा। और मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने तो ये तय कर रखा है कि इस मुल्क को बेच देना है कॉरपोरेट के हाथ, चाहे वो हवाई अड्डों की बात है, चाहे वो रेलवे की बात है, चाहे वो दूसरी उनकी बातें हैं। तो इसको इन मंडियों का क्या इंपॉर्टेंस रह जाती है जब MSP ख़त्म हो जाती है? तो MSP ख़त्म होने पर तो आप देखिए हिमाचल और बिहार में क्या हाल हो रहा है। वहाँ के लोग दूर दूर तक अपनी फसलों को बेचने के लिए ले जाते हैं। तो हम इसके खिलाफ हैं और ये किसान विरोधी बिल है। हम इसके लिए पूरा संघर्ष करेंगे, जब तक लड़ते रहेंगे, जब तक ये बिल में कोई तरमीम या बदलाव या इसको वापस नहीं लिया जाता। शुक्रिया। तो तीन ये कानून बनाए गए, पहले अध्यादेश थे, इनको कानून बनाए गए। हमारी ये मांग है कि इन कानूनों को वापस लें। ये कानून जो है ये किसान के हित में नहीं है। ये कानून केवल और केवल उद्योगपतियों के हित में है, जो बड़े बड़े, चाहे आप मील वाले लगा लीजिए, कोई भंडारा करने वाले लगा लीजिए, फूड प्रोसेसिंग बनाने लगा लीजिए, केवल और केवल उनको फ़ायदा पहुंचाता है। कहीं पर भी ये कानून, कहीं पर भी ये नहीं दर्शाते कि किसान को इससे फ़ायदा कैसे मिलता है। सरकार कहती है किसान कहीं पर भी जाके अपनी फसल बेच लेता है। तो लेकिन एक चीज़ बताइए, पहले भी तो किसान अलग अलग मंडियों में जाके अपनी फसल बेचता ही था, फ़ायदा क्या मिला इसके अंदर किसान को? कहीं पर MSP की बात नहीं कही, कहीं पर पेमेंट की गारंटी की बात नहीं कही गई, कहीं पर इस चीज़ का गारंटी नहीं कही गई कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यदि किसी कारण से अगर किसान की फसल ख़राब होती है तो किस प्रकार उसको मुआवजा दिया जाएगा। तो ये हित में नहीं बने किसान के, ये केवल और केवल उद्योगपतियों के हित में बने। और हमारी ये मांग है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए और बीमा योजना भी है उसको भी वापस लिया जाए, और जिस तरीके से किसानों को मुआवजा दिया जाया करता था उस प्रकार से, उस तर्ज पर वापस किसानों को मुआवजा दिया जाए। अगर किसानों की ये मांग नहीं, हमेशा से किसानों के साथ रही है, हम किसानों की पार्टी, और आज पूरे देश भर के अंदर, प्रदेश भर के अंदर किसानों की ये मांग है कि इन कानूनों को वापस ले जाए। बात यहाँ पर नहीं आती है कि सरकार वापस लेगी कि नहीं, बात तो यहाँ पर आती है कि सरकार कब लेगी। क्योंकि जब देश की 70 करोड़ जनता अगर सड़कों पे उतर आई, अगर देश की 70 करोड़ जनता इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ बोल पड़ी तो ये सरकार कहाँ जाएगी? आज एक हर जवान इस देश का किसान का बेटा है, बड़े से बड़े लोग आज के दिन भी किसान के बेटे हैं, सबसे पहले हम किसान के बेटे हैं और किसान होने